Hi guys, I am Neetu Nigam and welcome to my channel My Parshala by Neetu Nigam. आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास फर्स्ट के लिए CBSE के सिलेबस. हम ये देखेंगे इस वीडियो में 23-24 के लिए क्लास फर्स्ट के लिए कौन कौन से सिलेबस हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, कितने सब्जेक्ट न्यू ऐड हुए हैं, एक सब्जेक्ट ऐसा है जो क्लास फर्स्ट में नया ऐड किया गया है इस साल से, तो उसके बारे में भी हम डिटेल से बात करेंगे. साथ ही हम ये भी देखेंगे पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट में बच्चे सिलेबस के द्वारा कौन कौन से टॉपिक उन्हें पढ़ना है, उस टॉपिक के द्वारा बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहें. पहला है हमारा इंग्लिश. इस सब्जेक्ट के द्वारा बच्चों को एसेंशियल कम्युनिकेशन स्किल पर ध्यान दिया जाता है. खासकर इंग्लिश कवर करने समय कम्युनिकेशन स्किल क्या होनी चाहिए बच्चों की. इसमें करीब 13 चैप्टर रहेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव चैप्टर जो मेरी गोल्ड बुक के नाम है. इसके आधार पर ये 10 चैप्टर हैं, अ हैप्पी चाइल्ड, थ्री लिटिल पिग्स, आफ्टर ए बाथ, द बबल्स एंड स्ट्रो एंड सो. ये सारे चैप्टर्स आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं. अब दूसरा हम जानेंगे मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स के द्वारा बच्चों में यह जनरेट किया जाता है कि उनकी कैलकुलेशन कैपेबिलिटी कैसे क्विकली बिल्ड हो सके, जिसके द्वारा मैथमेटिक्स में इन्हें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर्स, मेजरमेंट पैटर्न एंड मेनी मोर सिखाया जाता है. पहले चैप्टर के अनुसार उन्हें सेफ एंड स्पेस बताया जाता है कि कौन कौन से सेफ होते हैं, और स्पेस के बारे में बताया जाता है कि कितना कोई भी ऑब्जेक्ट जो है नियर है या फार है. फिर नंबर्स चैप्टर 2 में नंबर्स फ्रॉम 1 to 9 तक उन्हें नंबर्स एंड नंबर्स नेम लिखना सिखाया जाता है. एडिशन यह फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्लास फर्स्ट के मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग. इसमें बच्चे जो है सिंबल स्टेप्स को समझते हैं और उसके द्वारा फिर मल्टीप्लिकेशन फार्मूला आगे चलकर उन्हें सीखने में मदद मिलती है. नेक्स्ट चैप्टर सब्सट्रैक्शन. एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में सिंपल एडिशन और सब्सट्रैक्शन के साथ साथ वर्ड प्रॉब्लम भी इन्हें कराया जाता है. नंबर्स अप टू 2 and 3 डिजिट के नंबर्स इसमें करवाए जाते हैं. द थर्ड एंड फोर्थ वाइटल चैप्टर इंक्लूड अप टू 2 and 3 डिजिट. 2 and 3 डिजिट्स इनमें करवाए जाते हैं एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन. एंड स्टूडेंट क्लास फर्स्ट विल बी नो अबाउट द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू. इसी क्लास में बच्चे फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू को भी अच्छी तरह से जान जाते हैं, उनके डिटेल्स को अच्छे से समझ लेते हैं. और साथ ही इस क्लास में इन्हें एक्सपेंडिंग फॉर्म क्या होते हैं किसी भी डिजिट के, ये भी इन्हें बता दिया जाता है. नेक्स्ट होता है मल्टीप्लिकेशन. ये इंट्रोडक्टरी चैप्टर होता है, काफ़ी डिटेल्स नहीं होता है. फर्स्ट क्लास के लेवल के हिसाब से सिर्फ एक जनरल नॉलेज उन्हें मल्टीप्लिकेशन की रेगुलर बेसिक के आधार पर दी जाती है. नेक्स्ट हो जाता है चैप्टर 5 में नंबर्स फ्रॉम 10 to 20 तक नंबर्स, यहाँ पर नंबर्स एंड नंबर्स नेम साथ साथ करा दिए जाते हैं. फिर लास्ट आ जाता है चैप्टर 6 टाइम. यह लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्लास फर्स्ट की मैथमेटिक्स के लिए. इसके अंतर्गत बच्चे टाइम के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसकी हिस्ट्री और डेफिनेशन समझते हैं, डिफरेंट टाइम जोन क्या होता है. फॉर एग्जांपल मॉर्निंग, इवनिंग, नून, गुड नाइट, ये सारे जोन को समझते हैं. साथ ही कुछ सम प्रैक्टिस एग्जांपल्स के द्वारा इसे अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं. नेक्स्ट हमारा हो जाता है मेजरमेंट. मेजरमेंट के में बच्चे जो है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ये भी है. इसके अंतर्गत बच्चे जो है 2D शेप्स, एरियाज एंड पैरीमीटर्स क्या होता है ये जानते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ शेप्स, वॉल्यूम एक्सेट्रा एंड सम साइलेंट टॉपिक भी इस चैप्टर के अंतर्गत बच्चों को कवर कराया जाता है. साथ ही ग्रेटर को भी अंडरस्टैंडिंग वो कर पाते हैं. नेक्स्ट चैप्टर हो जाता है नंबर फ्रॉम 21 to 50, यानी 150 तक उनके नंबर यहाँ पर करा दिए जाते हैं. डेटा हैंडलिंग में बच्चे इस चैप्टर के एक चैप्टर में डिफरेंट क्वालिटीज डेटा एंड क्वांटिटेटिव डेटा क्या होता है इसके समझने की कोशिश करते हैं. एंड पिक्टोग्राफ एंड बार ग्राफ के द्वारा उन्हें ये चीज़ प्रैक्टिस करवाई जाती है. पैटर्न के अंतर्गत बच्चों को दो तरह से पैटर्न की प्रैक्टिस करवाई जाती है, एक नंबर्स के द्वारा, दूसरे इमेज के द्वारा. एक पैटर्न में कोई नंबर चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, तो नेक्स्ट दो नंबर क्या होगा. उसी प्रकार इमेज दिया गया है, सपोज एग्जांपल कोई रो रहा है, फिर नेक्स्ट हंस रहा है, रो रहा है, हंस रहा है, तो नेक्स्ट जो है पैटर्न उसका क्या होगा, इस तरह इन्हें करवाया जाता है. उसी प्रकार नंबर्स हो जाते हैं. एंड मनी चैप्टर्स के द्वारा बच्चे को
काउंटिंग में मदद होती है मनी, एंड इसके यूज बताए जाते हैं आप काउंटिंग कैसे किया जाए। एंड नेक्स्ट हो जाता हाउ मेनी एंड ओपन क्लोज फिगर एंड सॉलिड शेप्स, इसके बारे में भी क्लास फर्स्ट में उन्हें अच्छी तरह से बता दिया जाता है। स्टूडेंट को इसमें सॉलिड शेप्स एंड उसके प्रॉपर्टीज, शेप्स, स्पेयर, कौन, सिलेंडर, ये सारे शेप्स की जानकारी इस चैप्टर में उन्हें दे दी जाती है। अब हम देखते हैं हिंदी। हिंदी जो है सब्जेक्ट जिसके द्वारा बच्चों को छोटी छोटी स्टोरी एंड स्वीट स्टोरी एंड पोएम रहता है, जिसके द्वारा बच्चे जो है अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज जो इंडिया में होता है उससे परिचित हो सके। इसमें करीब आपके 23 चैप्टर्स हैं। झूला, आम की कहानी, आम की टोकरी, पत्ते ही पत्ते, पकौड़ी, छुकछुकारी, रसोई घर, चूहो म्याओं सो रही है, बंदर और गिलहरी, पगरी, पतंग, गेल बल्ला, गंदा, बंदर गया खेत में भाग, एक बुढ़िया, मैं भी, लालू और पीलू, चकई के चकदुम, छोटी का कमाल, चार चने, भगदर, हमीम चला चांद पर, हाथी चल्लम चलपाट, सात पूछ का चूहा। नेक्स्ट हमारा एक सिलेबस हो जाता है, इसके अंतर्गत आर्ट एंड क्राफ्ट भी एक बुक बच्चों को पढ़ाई जाती है, जिसके अंतर्गत बच्चों को लर्निंग सिखाया जाता है कि कैसे जो है आर्ट एंड क्राफ्ट के द्वारा बच्चे जो है किसी सब्जेक्ट को स्पेशली बताया जाता है। छोटे छोटे आर्ट एंड क्राफ्ट बनाकर उनसे कुछ प्रैक्टिकल लर्निंग सिखाया जाता है, सपोज फीस बनाना पेपर क्राफ्ट से या अलग अलग क्राफ्ट से, इसमें कुछ क्राफ्ट टाइप के चीज़ उन्हें सिखाए जाते हैं, जिसमें क्राफ्ट की एक अलग बुक भी आती है क्लास फर्स्ट में बच्चों को, उसमें बहुत सारे हिंट्स दिए रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग बच्चों को कुछ कुछ क्राफ्ट बनवाया जाता है, जिसमें हो जाता है ड्रॉ डिफरेंट शेप्स बनाए जाते हैं, नॉलेज ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी कलर की नॉलेज दी जाती है, एंड ड्राइंग एंड कलरिंग ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट को कैसे ड्राइंग करेंगे और कैसे कलरिंग करेंगे, ये जानकारी दी जाती है। नेक्स्ट हमारा हो जाता है एनवायरनमेंट साइंस। एनवायरनमेंट साइंस के अंतर्गत बच्चों को सोशल अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर एनवायरनमेंट, सोशल अंडरस्टैंडिंग कैसे करेंगे हमारे एनवायरनमेंट में, इसके बारे में बताया जाता है, और ये करीब 8 चैप्टर्स होते हैं। इसमें वेदर एंड सीजन, फूड एंड वाटर, ट्रैवल एंड सेफ्टी, ह्यूमन बॉडी, प्लांट, क्लॉथ्स, माई फैमिली एंड स्कूल, फैमिली ट्री। नेक्स्ट सिलेबस हो जाता है क्लास फर्स्ट में जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज के अंतर्गत बच्चों को ये अंडरस्टैंड करवाया जाता है कि एनिमल्स, फेस्टिवल एंड इम्पॉर्टेंट डेट कैसे याद रखा जाए, उसके बारे में उन्हें सिखाया जाता है। साथ ही इसके साथ ही इन्हें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सेविंग वाटर एंड सेविंग इलेक्ट्रिसिटी की जानकारी दी जाती है। इस सब्जेक्ट के अंतर्गत करीब 11 चैप्टर्स होते हैं, जो एनिमल, लिविंग स्पेस, कॉन्स, सोर्स ऑफ वाटर, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ऑड वन आउट, स्पॉट एंड डिफरेंस, सेव इलेक्ट्रिसिटी, सेव वाटर, नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया एंड इम्पॉर्टेंट डेट ऑफ ईयर्स, ये उन्हें याद करवाए जाते हैं और बताया जाता है उसके बारे में। एंड लास्ट सिलेबस आ जाता है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, जो इस साल से ये पेपर क्लास फर्स्ट में ऐड किया गया है। इस सब्जेक्ट के अंतर्गत बच्चों को बॉडी अवेयरनेस, फूड एंड न्यूट्रिशन एंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, इन तीनों चीज़ों के बारे में बताया जाता है। साथ ही बच्चों को बॉडी अवेयरनेस किया जाता है, बॉडी पार्ट कौन से हैं, पॉस्चर क्या होना चाहिए बॉडी का, साथ ही फिजिकल एक्टिविटी, ये सारे चीज़ इस हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत बच्चों को क्लास फर्स्ट में बताया जाता है। तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया हो। इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। साथ ही क्लास 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th सभी क्लास के मैं सिलेबस इस तरह डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगी, तो प्लीज़ हमारे वीडियो पर बने रहें। थैंक यू, गुड बाय।